गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देविशकीपीडिया। आई एम योर होस्ट अमित। गाइस आज मैं एक सिंगल मोल्ट लेके आया हूँ रिव्यू करने के लिए। ये पहली सिंगल मोल्ट है हमारे चैनल की, तो मैंने सोचा ग्लेनफिडिक के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये बादशाह है, बादशाह सिंगल मोल्ट का। अगर कोई भी सिंगल मोल्ट पीना पसंद करता है तो ग्लेनफिडिक पहली चॉइस होगी उसकी पीने की। तो इसलिए मैंने सोचा कोई ऐसा ब्रांड लेके आऊं कि हमारे चैनल पे जो पहला रिव्यू होगा सिंगल मोल्ट का, वो कुछ ऐसे ब्रांड से होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो, बहुत ही ज्यादा पसंद हो लोगों को। आज मैं लेके आया हूँ ग्लेनफिडिक सिलेक्ट कास्ट। जी हाँ, ये एक एक्सक्लूसिव बॉटल्स है, ये नॉर्मल वाइन शॉप पे नहीं मिलती। ये नॉर्मली जो है ट्रेवल करते हैं लोग, उनके लिए डिजाइन की है, उनके लिए ही कंपनी ने ये प्रोडक्ट निकाला है। ड्यूटी फ्री शॉप्स पे ये मिल जाती है, और मैंने ये भी एयरपोर्ट से ही ली है, ड्यूटी फ्री शॉप से ली है। वहां पे ये मुझे सेट मिला था, पैक ऑफ टू बॉटल्स। ये मुझे मिला था 6600 रुपीस की टू बॉटल्स। ये 1 लीटर वाली बॉटल है, इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ जो है ये 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो एक बॉटल मुझे 3300 रुपीस की पड़ी, इंडियन रुपीस में 3300 रुपीस की एक बॉटल मुझे पड़ी 1 लीटर की बॉटल। गाइस ग्लेनफिडिक ये नाम नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये बादशाह है अपनी ही दुनिया में। इसका जो मीनिंग है ग्लेनफिडिक का, वैली ऑफ डियर। जी हाँ, जहां से ये बॉटल आती है स्पेस साइड से, डेफ्टन टाउन से, वहां पे डियर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और कंपनी का यही मेन होलोग्राम है, यही मेन लोगो है जो आपको हर जगह पे दिखेगा। बहुत ही प्यारी सिंगल मॉल्ट है, आज मैं इसका कंप्लीट डिटेल रिव्यू करूंगा। गाइस इसको बनाने में एक खास प्रोसेस का यूज किया जाता है, सोलेरा वेटेड प्रोसेस का। बताऊंगा आपको वो क्या होती है, इसलिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ, और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कैसे बनती है ये विस्की, कितने टाइम तक एज किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एज स्टेटमेंट नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा आज इस वीडियो में। तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ग्लेनफिडिक ने ये बॉटल स्पेशली जो ट्रेवल करते हैं लोग उनके लिए उतारी है। ऐसे दो और प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, वो भी ट्रेवलर्स के लिए ही उतारे हैं। इसको बनाने में एक डिफरेंट प्रोसेस का यूज किया गया है, सोलेरा वेटेड प्रोसेस का। उसमें क्या होता है गाइस कि एक बहुत बड़ा टैंक उन्होंने ओक बैरल का बनाया हुआ है, काफी बड़ा टैंक होता है, उसको कभी भी एम्प्टी नहीं किया गया सिंस 1995। जी हाँ, 1995 से लेके अब तक पूरा कभी भी खाली नहीं किया गया उसको। हमेशा जब भी वो कम होता है तो हाफ उसमें विस्की रहती है, हाफ स्कॉच रहती है, और उसी में नई स्कॉच को मिलाया जाता है मैच्योर होने के लिए, मिक्स होने के लिए, ताकि जो तब से अब तक स्कॉच चली आ रही है, जो सिंगल मोल्ट चली आ रही है 1995 से, उसके भी करैक्टर हर बॉटल में आए, और हर बॉटल का जो टेस्ट है वो एकदम एक जैसा हो, बहुत ही बढ़िया हो। तो इसलिए काफी बढ़िया क्वालिटी की मानी जाती है ये। इसकी मैंने काफी सर्च की, जैसे कि इसके ऊपर कोई भी एज स्टेटमेंट नहीं है। इसका मैंने सर्च किया था तो 15 ईयर तक इसको एज कराया गया है बैरल्स में। जी हाँ, तो काफी प्यारी एक सिंगल मॉल्ट होने वाली है। अब मैं इसका एक 360 व्यू करके बताऊंगा आपको, फिर मैं ओपन करूंगा बॉटल को, फिर हम करेंगे इसकी नोजिंग, फिर हम करेंगे इसका टेस्ट। तो गाइज ये है बॉटल ग्लेनफिडिक सिलेक्ट कास्ट की। बॉटल जो है बिल्कुल सिमिलर है बाकी ग्लेनफिडिक की बॉटल से। इनकी जो शेप है बिल्कुल ऐसी ही शेप आती है हर बॉटल्स की, जो कि दूर से ही देखने में पता चल जाता है कि ये ग्लेनफिडिक की बॉटल है। 1 लीटर की बॉटल है ये, और 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है। तो चलिए गाइस ओपन करते हैं अपनी बॉटल को। गाइस जितनी देर तक मैं बॉटल ओपन करके पोर कर रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये है इसकी सील, इसको हम करेंगे ओपन और पोर करेंगे अपने ग्लास में। इसका जो कैप है गाइस वो ब्लैक कलर का कैप है, ब्लू कलर का नहीं है। ऊपर जो कैप है, जो कॉक है, ये कॉक वाली बॉटल है, ये ब्लैक कलर का है। तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। काफी प्यारा एक कॉक है इसका, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार इसमें से एक नोजिंग आ रही है। अब मैं थोड़ा सा पोर करूंगा इसको।
तो गाइस आ चुकी है हमारे ग्लास में ग्लेनफिडिच। अब मैं इसकी नोजिंग करूंगा और बताऊंगा आपको क्या है इसका नोट्स, क्या दे रही है, फिर हम करेंगे इसका टेस्ट। तो बॉटल को रख देते हैं अभी के लिए साइड में। पहले कलर की बात कर लेते हैं गाइस, इसका कलर इतना डार्क कलर नहीं है, बहुत ही प्यारा एक शाइनिंग कलर है। जैसे कि मैंने शिवा सीगल की जो है वो रिव्यू किया था, तो उसका जो कलर था काफी डार्क था, लेकिन इसका कलर इतना डार्क नहीं है, काफी एक पेल कलर है, काफी प्यारा कलर है इसका। इसकी जो लेग्स बन रही है वो भी मीडियम लेग्स बन रही है, इतनी ज्यादा हैवी लेग्स नहीं बन रही, काफी प्यारी एक शाइनिंग है इसमें, काफी अच्छी लग रही है देखने में। अब मैं इसकी नोजिंग करके बताता हूं कि क्या नोट्स दे रही है ये। सबसे पहले तो मुझे एक टोस्टेड हनी का एक नोजिंग आई इसमें से, काफी प्यारी हनी की नोजिंग आई जो काफी अच्छी लग रही है। हल्के हल्के सिट्रस फ्रूट्स के इसमें से नोट्स आ रहे हैं, ऑरेंजेस के, लेमन्स के, लेमन्स के कम बोलूंगा, हालांकि ऑरेंजेस के काफी अच्छे इसमें से नोट्स आ रहे हैं जो कि काफी प्यारे लग रहे हैं। गाइस इसमें स्पाइसीनेस भी है, स्पाइसीनेस मिल रही है मेरे को नोट्स में, काफी अच्छी लग रही है। स्मोक मेरे को इतना नहीं मिल रहा है इसमें। हल्के हल्के बटर टॉफी, वनीला और बटरी टॉफी के नोट्स मिल रहे हैं मुझे इसमें से। हल्के हल्के बटर स्कॉच, जैसे बटरी बटर स्कॉच वैसी कुछ कुछ क्रीमी नोट्स मिल रहे हैं मुझे इसमें से। नोजिंग के ऊपर काफी प्यारी ये स्कॉच लग रही है, काफी अच्छे लेयर्स हैं इसमें, काफी प्यारी एक सिट्रस के नोट्स हैं और स्पाइसीनेस है इसमें। हनी जो है हनी भी काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूं कि पैलेट पे ये कैसी लगती है। गाइस अब कई लोग पूछते हैं कि सिंगल मोल्ट को कैसे पीना चाहिए, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको इच्छा हो, जैसे आपको अच्छी लगती हो सिंगल मोल्ट पीना वैसे ही पीना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इसको नीट भी पी सकते हो, ओवर द आइस भी पी सकते हो, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भी, डाइल्यूट करके भी पी सकते हो, लेकिन इसको सोडा डाल के नहीं पीना चाहिए मेरे हिसाब से। कई लोग इसमें सोडा ऐड करते हैं, उसके साथ क्या होता है कि इसके जो फ्लेवर्स होते हैं काफी माइल्ड होते हैं, वो सारे बैठ जाते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। सोडा जो है इतना पंची इसको एक टेस्ट दे देगा कि इसका जो टेस्ट है बिल्कुल न्यून हो जाएगा। अब मैं इसको पैलेट पे लेके देखता हूँ कि पैलेट पे ये कैसी लगती है। चीयर्स। गाइस पैलेट के ऊपर सबसे पहले तो मुझे एक हिंट ऑफ स्पाइसीनेस आई, इसमें से स्पाइसेस मिल रहे हैं काफी अच्छे अच्छे। मुझे सिनेमन का टेस्ट आ रहा है काफी प्यारा, ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है जो कि काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसे जैसे आप इसको टाइम दोगे ये और खुलना शुरू हो जाएगी, और ओपन अप होना शुरू हो जाएगी, इसके जो फ्लेवर्स हैं और खुल के बाहर आएंगे। इतनी प्यारी इसमें से अब मेरे को नोजिंग भी आनी स्टार्ट हो गई है। गाइस हल्के हल्के मेरे को इसमें से फ्रूट्स के, फ्रूटी पैन केक जैसे होता है, केक वाली फीलिंग आ रही है, जैसे केक हम खाते हैं बढ़िया सा, वैसे कुछ कुछ टेस्ट आ रहा है इसमें से। हनी काफी अच्छे से मिल रहा है, काफी बढ़िया लग रही है मेरे को, इतनी हार्श नहीं लगी है ये पैलेट पे, तो बिल्कुल भी हार्श नहीं है। आप इसको नीट आराम से पी सकते हो, काफी अच्छी लगी है, काफी स्मूथ है ये।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, क्योंकि कई लोग इसको पानी ऐड करके भी पिएंगे, तो मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करूंगा और फिर बताता हूं कि क्या इसके जो टेस्ट है वो चेंज होते हैं या कुछ और बेहतर होता है इसमें। तो चलिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं। गाइस थोड़ा सा अब मैंने पानी ऐड किया है, अब मैं टेस्ट करके देखता हूं कि पैलेट पे ये कैसी लगती है। गाइस अब मुझे इसमें से जले हुए ऑरेंजेस की, जैसे कि ऑरेंज पील को जलाया होता है, वैसा कुछ कुछ टेस्ट आ रहा है मुझे। और अब इसमें से स्मोकीनेस भी आनी स्टार्ट हो गई है, हल्की स्मोकीनेस है इसमें। काफी अच्छे अच्छे रेजिन्स मिल रहे हैं अब मेरे को, लेकिन जो सिट्रस है काफी प्रोमिनेंट लग रहा है, सिट्रस का काफी अच्छा टेस्ट आ रहा है। मुझे नीड से ज्यादा इसमें पानी ऐड करने के बाद टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा जो माउथ है अब बात करने में भी भीग रहा है, काफी वेटी फीलिंग आ रही है मेरे को। काफी क्रीमी टेक्सचर है, अब काफी क्रीमी लग रही है। मेरे हिसाब से आप इसको नीड से बेहतर थोड़ा सा पानी ऐड करके पियो तो ज्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मुझे पानी ऐड करने के बाद ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरे हिसाब से काफी अच्छी सिंगल मॉल्ट है ये, इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। काफी प्यारा प्रोडक्ट है, रेटिंग तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि इतने बढ़िया बॉटल को और इतने बढ़िया ब्रांड को, जैसे कि मैं ऑलरेडी बताता हूं कि मैं रेटिंग नहीं देता। मेरे हिसाब से बहुत प्यारी स्कॉच विस्की है, मैं इसको जरूर पीना चाहूंगा इस प्राइस रेंज में। 3300 में काफी बढ़िया प्रोडक्ट लगा मुझे ये, और वो भी 1 लीटर वाली पैकिंग में आती है। तो गाइस ये तो था आज का रिव्यू, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।